यह है अर्थ, सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट जिस पर हम मानव जाति का बसेरा है। यह है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका निर्माण 10 बिलियन से भी ज़्यादा सोलर सिस्टम को मिलाकर बना है। इन 10 बिलियन सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम हमारा भी है, जिसका तारा सूर्य है और 9 ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉमर्स ने एस्टिमेट किया कि हमारे गैलेक्सी में 100,000 मिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स मौजूद हैं। 2013 में कैपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी के स्टडी के मुताबिक अगर हर तारे से एक ग्रह भी जुड़ा हो तो सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही 400 से 500 बिलियन प्लैनेट्स होंगे। और फिर हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में गैलेक्सीज अरबों में हैं, फिर कितने प्लैनेट्स होंगे इसे मैं नंबर्स में बयां नहीं कर सकता। 1961 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंक ड्रैक ने मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद एडवांस सिविलाइजेशन का पता लगाने के लिए एक समीकरण दिए। ये है वो ड्रैक इक्वेशन जिसके द्वारा मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद एडवांस सिविलाइजेशन का पता लगा सकते हैं। ड्रैक इक्वेशन कहता है कि सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही 1 बिलियन ऐसे प्लैनेट्स हैं जिस पर एडवांस सिविलाइजेशन अभी भी निवास कर रही होगी। इन सब कैलकुलेशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह नहीं है जिस पर लाइफ मौजूद हो। आए दिन UFO और एलियन द्वारा अटैक की खबरें सुनने को मिलती है, तो ये प्रश्न उठता है कि क्या एलियंस ने हमें ढूंढ लिया है और क्या वे पृथ्वी पर आते भी हैं? नासा इसरो जैसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से ही एलियंस के होने को नकारा है, लेकिन एलियन भी साले कम नहीं है, वे हमेशा से अपने एग्जिस्टेंस का प्रूफ देते आए हैं। जितनी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वे कभी भी पूरी जानकारी पब्लिक में जारी नहीं करते। आखिर क्यों? क्या उनकी भी एलियनों से फटती है? दोस्तों, इजरायली स्पेस सिक्योरिटी चीफ है मिशेद, हाल ही में उन्होंने एलियंस के बारे में कई राज दुनिया के सामने रखे हैं जिसे मैं आपको बताने वाला हूं, तो अपने आँख और कान को खोल ले क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। है मिशेद का कहना है कि अमेरिका और इजरायल एलियन के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जिसे गैलेक्टिक फेडरेशन का नाम दिया गया है। इसेद ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के साइंटिस्ट एलियनों के साथ मिलकर मंगल ग्रह की धरती के भीतर एक अड्डा चला रहे हैं जहां ब्रह्मांड को समझने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इसेद ने यह भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को एलियन के बारे में जानकारी है और ट्रंप एलियन के बारे में अनाउंस भी करने वाले थे, लेकिन एलियन ने खुद ऐसा करने से रोक लिया। I think it's probably I want them to think whatever they think. They do say, I mean, I've seen and I've read and I've heard, and I did have one very brief meeting on it, but people are saying they're seeing UFOs. Do I believe it? Not particularly. Do you think you'd know if there were evidence of extraterrestrials? Well, I think our great pilots would know. एलियंस का कहना है कि मानव सभ्यता इतनी विकसित नहीं हुई है कि वे एलियन के बारे में जान सके। वे तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक मानव जाति अच्छी तरह अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यान को समझ ले। है मिशेद ने यह भी कहा कि अगर मैं ये खुलासा 5 साल पहले करता तो ये लोग मेरी जान ले लेते और मुझे गलत साबित कर देते, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे किसी का डर नहीं। एक बार बराक ओबामा से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या अमेरिका एरिया 51 में एलियन के साथ काम कर रही है और क्या आप UFO में बिलीव करते हैं, तो बराक ओबामा ने क्लियर बोल दिए कि वे इसके बारे में पब्लिक में कुछ नहीं बोल सकते। Have the files about Area 51 and the UFOs, and I go through everything to find out what happened. Did you do that? I can't reveal anything. Oh, really? कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने भी एलियन से रिलेटेड एक ट्वीट किए थे। उन्होंने लिखा था कि सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर द ऑरिफिस,
एलियन मैसेज डिक्रिप्टेड। ओरिफिस का मतलब है एक छेद, टनल या फिर कोई होल। इस ट्वीट का मतलब हो सकता है कि एलियंस इलॉन मस्क को किसी होल या टनल को खोलने के लिए थैंक्स बोल रहे हो। नीचे लिखा है एलियन मैसेज डिक्रिप्टेड, यानी ये एलियन ने इलॉन मस्क को भेजा है जिसे मस्क ने डिकोड कर लिया। डिक्रिप्टेड का मतलब है डिकोड करना। इलॉन मस्क ये मैसेज को हमारे साथ शेयर करके यह बताना चाहते हैं कि हमारे गैलेक्सी में भी एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, या फिर ये कोई पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। मेरा यह मानना है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, कहीं ना कहीं किसी रूप में लाइफ जरूर पनप रही होगी। आप क्या सोचते हो, एलियंस है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।